क्या आपको पता है मेरा फ्री फायर का सबसे फेवरेट कैरेक्टर आलोक है। आलोक की बैक टू बैक इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स की बारिश के लिए रेडी हो जाओ। आप लोगों को ये जान की बड़ी हैरानी होगी कि जो आलोक का नेम है उसका मीनिंग क्या है, और अगर आप लोग आलोक के भाई का नाम सुनोगे तो आप लोग पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 7, आप जब आलोक कैरेक्टर यूज करते हो तो आलोक अपनी वॉइस में कुछ बोलता है, लाइक आप लोग ये एग्जांपल सुन सकते हो। É hora do show. Chegou a hora. Solta o som. Tá sentindo a energia? Agora o bicho vai pegar. तो आलोक कुछ बोलता है, चार अलग अलग चीजें बोलता है, तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है और वो कौन सी लैंग्वेज में बोलता है। ये एक ब्राजीलियन लैंग्वेज है। मैं आपको उसके वॉइस के साथ समझाता हूँ कि वो एक्चुअली बोलता क्या है। É hora do show. अभी जो आपने वॉइस सुनी उसका मीनिंग आप देख सकते हो कि वो ब्राजीलियन लैंग्वेज में होता क्या है। ए होरो दो शो, ऐसा कुछ ब्राजीलियन लैंग्वेज बोलते हैं, बट इसका इंग्लिश लैंग्वेज मीनिंग होता है इट्स शो टाइम। ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद गूगल कहता है। और अभी जब आपने सुना ब्राजीलियन लैंग्वेज में क्या होता है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, आप लोग खुद प्रोनाउंस कर लेना। मैं प्रोनाउंस नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को प्रोनाउंस करना आता ही नहीं। और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है आप लोग खुद देख सकते हो, टाइम हैज कम टू लॉस्ट द साउंड। Tá sentindo a energia? The cheap lady here. मैं ये वीडियो बनाने से पहले कुछ ऐसा ही सुनता रहा इसकी वॉइस को, लेकिन ब्राजीलियन लैंग्वेज में से किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं आप लोग खुद अपने स्क्रीन में देख सकते हो, और इसका इंग्लिश में मीनिंग भी आप लोग खुद अपने स्क्रीन में देख सकते हो। आर यू फीलिंग द एनर्जी, इसका मतलब ये होता है अगोर विश्व पेगा। और ये जो आपने सुना इसका इंग्लिश में मतलब होता है नाउ द एनिमल विल कैच, और ब्राजीलियन लैंग्वेज में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, मेरे तो सर के बाहर चला गया। फैक्ट नंबर 6, जब आलोक वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा था तब आप लोग मानोगे नहीं, आलोक भी फ्री फायर का फैन था, मतलब उसे फ्री फायर गेम काफी पसंद था। और जब गरीना ने आलोक को अप्रोच किया कि क्या आप हमारे फ्री फायर के साथ कोलैबोरेशन करोगे, तो आप लोग मानोगे नहीं, आलोक ने बिना सोचे समझे पहली बार में हाँ कर दिया एक्साइटमेंट से। एंड गरीना ने जितना पैसा पे किया फर्स्ट टाइम में उतना में आलोक मान गया, और एक्साइटमेंट का प्रूफ आप लोग खुद बैकग्राउंड में देख सकते हो। और एक बात अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आलोक का जो कोलैबोरेशन है वो फ्री फायर के साथ लाइफ टाइम है। जब तक फ्री फायर है तब तक आलोक फ्री फायर के साथ जुड़ा है। और एक बात, आलोक भी फ्री फायर गेम को खेलता है, बट उसकी जो यूआईडी है वो मिस्टीरियस तरीके से छुपा दी गई है, कोई भी उसे रिवील करना नहीं चाहता, ये एक सीक्रेट है। फैक्ट नंबर 5, आलोक, आलोक का मीनिंग क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं, आप लोगों में से किसी लोग को पता नहीं होगा। अगर आप गूगल से सवाल करोगे तो गूगल कहेगा आलोक का मीनिंग होता है ब्राइटनेस, लाइट, मतलब जो लाइट होती है वही होता है आलोक का मीनिंग। और ये मीनिंग संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत इंडियन ओरिजिन से ही बिलोंग करता है। अब इसके पीछे का एक और फैक्ट है कि आलोक का नाम इंडिया से कैसे कनेक्ट है, जबकि वो ब्राजील से बिलोंग करता है। आलोक का फुल नेम है आलोक अचकर पेरेस पेट्रिलो। आलोक आलोक का नाम हो गया, एंड अचकर इनके पापा का नाम, एंड पेरेस पेट्रिलो इनका सरनेम है। तो जो इनके फादर थे पापा, वो किसी चीज से मतलब इंडिया से कनेक्ट थे, उनका कुछ फैमिली या फिर पता नहीं, उनको इंडिया शायद पसंद होगा, पता नहीं, बट वो इंडिया से कनेक्ट थे। तो जब आलोक का जन्म हुआ था तब उनके पापा ने एडवाइस लिया था उस साधु बाबा से, तो उन साधु बाबा ने आलोक नाम उन्हें सजेस्ट किया, और आलोक का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, साधु लोग ऐसे ही नाम सजेस्ट करते हैं यार, संस्कृत से कुछ रिलेटेड होता है। एंड आलोक का एक ट्विन ब्रदर भी है, एंड उसके ब्रदर का नाम है भास्कर, जो कि प्योर एक इंडियन नेम है। फैक्ट नंबर 4, जो फ्री फायर गेम है जिसमें आलोक ने कोलैबोरेशन किया है, उस फ्री फायर गेम को रियल बूस्ट तब मिला था जब आलोक ने कोलैब किया था। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि आलोक पहली वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस था, एंड पहले कोई भी गेम में सेलिब्रिटी कैरेक्टर्स नहीं होते थे। फ्री फायर एक ऐसा पहला गेम था जिसने सेलिब्रिटी कैरेक्टर को अपने गेम में लॉन्च किया। उसके वजह से फ्री फायर गेम को सबसे ज्यादा बूस्ट तब मिला था जब फ्री फायर ने आलोक के साथ कोलैबोरेशन किया था। पहले ऐसा कोई भी गेम नहीं था जो सेलिब्रिटी कैरेक्टर के साथ कोलैब करता हो, बट फ्री फायर ने सबसे पहला कोलैब किया सेलिब्रिटी कैरेक्टर के साथ, वो है आलोक। एंड आलोक वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस था, तो उसके वजह से जो बंदे पहले आलोक को जानते थे वो फ्री फायर की तरफ अट्रैक्ट हुए, और इन गेम आलोक ने कुछ इस तरह का धमाका मचा दिया कि हर एक प्लेयर आलोक को पसंद करने लगा। अब इसके भी दो रीजन है, सबसे पहला आलोक की एबिलिटी, जब आलोक पहली बार लॉन्च हुआ था तो आलोक के टक्कर में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो आलोक को टक्कर दे सके, एंड उनकी एबिलिटी भी आलोक इतनी ओपी नहीं थी, और आज के टाइम पे भी आलोक काफी ज्यादा यूज होता है। और सेकंड चीज ये है कि आप लोग आलोक कैरेक्टर पे कोई भी कपड़े पहना दो वो हर कपड़े पे सूट करेगा, बट फ्री फायर में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जिसपे आप कोई भी कपड़े पहना दो वो सूट करेगा। नहीं, आलोक इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसपे आप कोई भी कपड़े पहना दो
वो बहुत अच्छा लगेगा एंड सूट भी करेगा। फैक्ट नंबर थ्री, हमारे गेम में आलू के दो इमोट्स है। एक ये डीजे वाला जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये किस तरीके से आलू के डीजे बजाता है जो कि दिखने में काफी कूल लगता है। एंड सेकंड, ये इमोट जब आलू कैरेक्टर को आप लेते हो तो आलू कैरेक्टर अपने आप ही उस इमोट को परफॉर्म करता है। हाँ, यही इमोट जिसमें आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लॉबी में चुपचाप खड़े रहोगे फिर भी ये अपने आप ही इमोट को परफॉर्म करेगा। ये इमोट, ये दो इमोट है हमारे गेम में आलोक कैरेक्टर के। तो ये जो दोनों भी इमोट है, ये आलोक के वन ऑफ द फेमस सॉन्ग वाले वाले सॉन्ग से इंस्पायर्ड है। वाले वाले सॉन्ग ने आलोक ने बहुत सारे स्टेप्स किए हैं। तो ये डीजे वाला इमोट है एंड ये वाला इमोट सेल्फ इमोट आलोक का, ये दोनों भी इमोट आलोक के वाले वाले सॉन्ग से ही इंस्पायर्ड है। अगर आप वाले वाले सॉन्ग देखोगे तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स मिलेंगे ये इमोट से मैचिंग। फैक्ट नंबर टू, फ्री फायर में जब पहली बार आलोक लॉन्च हुआ था तब आपको पता ही है कि आलोक को कितना ज्यादा वीआईपी की तरह लॉन्च किया था। जैसे कि लॉबी में ही आलोक का सॉन्ग चला दिया, वाले वाले सॉन्ग लॉबी में चलता था एंड जो लॉबी था वो पूरा आलोक से भरा हुआ था, आलोक आलोक। एंड गेम के एंड स्क्रीन, स्टार्टिंग स्क्रीन, यहाँ तक कि आलोक के पोस्टर तक गेम में लगे हुए थे। एंड फ्री फायर गेम का जो लोगो था उसे भी चेंज करके आलोक वाला लोगो लगा दिया था। इतना वीआईपी की तरह लॉन्च किया था आलोक को। अब अभी तो फ्री फायर में कितने सारे कोलैबोरेशन हो चुके हैं, लाइक ऋतिक रोशन सर के साथ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, और भी बहुत है हमारे गेम में। और आपको बता दूं, ऋतिक रोशन सर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आलोक से भी ज्यादा फेमस है। बट फिर भी जिस तरीके से आलोक को लॉन्च किया गया था, वैसे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लॉन्च बिल्कुल नहीं किया एंड ऋतिक रोशन सर को तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन ये है कि आलोक सबसे पहला कोलैबोरेशन था हमारे फ्री फायर गेम का, इसलिए उसे पूरी वीआईपी तरीके से लॉन्च किया गया था। एंड एक और चीज, वो सेलिब्रिटी पहले से ही था ना, तो उसको सेलिब्रिटी लुक देना तो लाजमी है। बाय द वे, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। फैक्ट नंबर वन, क्या आप लोगों को पता है फ्री फायर आलोक को कितना पैसा पे करता है? फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, जब फ्री फायर के साथ आलोक का कोलैबोरेशन हुआ था तब फ्री फायर ने आलोक को कितना पैसा पे किया था? आप लोगों को मैं बता दूं, आलोक को फ्री फायर ने $27 मिलियन पे किया था कोलैब करने के लिए। और $27 मिलियन इंडियन करेंसी में कुछ इतना होता है, लेकिन जितने भी पैसे है आलोक और गरीना के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, आलोक को जितना ये पैसा गरीना ने पे किया उसमें से ₹1 भी आलोक के जेब में नहीं गया। आप लोग बोलोगे, भाई ये कैसे, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आलोक के जेब में ₹1 कैसे नहीं गया? आलोक का कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का था गरीना फ्री फायर के साथ कि जितना भी आलोक को गरीना फ्री फायर की तरफ से पैसा मिलेगा उसमें से ₹1 भी आलोक अपनी जेब में नहीं रखेगा, बल्कि वो जितने भी सारे पैसे हैं वो सब ऑर्फनेज में, गरीब बच्चों के जो ऑर्फनेज होते हैं ब्राजील में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, वहां दान कर देगा। एंड उन्होंने दान किया भी है, प्रूफ के लिए आप लोग बैकग्राउंड में एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और बस इतना ही नहीं, अगर आप लोग आलोक कैरेक्टर गेम में परचेस करते हो, आलोक की टी शर्ट परचेस करते हो, आलोक का इमोट परचेस करते हो, मतलब कुछ भी चीज है वो आलोक से रिलेटेड है, आलोक के कोलैबोरेशन में आई थी, तो आप जितना ये परचेस करोगे उनमें से कुछ परसेंट जो पैसा है वो गरीब बच्चों के ऑर्फनेज में गरीना पे कर देगा, दान कर देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था आलोक और गरीना फ्री फायर के बीच। अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया उस आर्टिकल का। और हाँ, जैसे कि मेरे वीडियो को स्टार्टिंग में पहले ही आपको कहा, गरीना फ्री फायर और आलोक का लाइफ टाइम कोलैबोरेशन है, तो लाइफ टाइम फ्री फायर की तरफ से आलोक को कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। तो जितना भी कुछ मिलेगा वो सारे पैसे आलोक ऑर्फनेज में डोनेट कर देगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपका कोई भी फ्रेंड है जो आलोक का फैन है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।